सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुबह सवेरे ही इकौना इलाके के मुर्गी फार्म के पास दो वाहनों की आपस में ही भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के बौद्ध परिपथ मुर्गी फार्म के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक मिनी बस को चालक रोककर उसके शीशे साफ कर रहा था, तभी बलरामपुर से बहराइच की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन जो अनियंत्रित हो चुकी थी, साइड में खड़े हुए मिनी बस से अटक गई। जबरदस्त टक्कर में दोनों वाहन आमने सामने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची हुई डायल 112 की पीआरबी 2501 ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मिनी बस दिल्ली से होकर नेपाल के बढ़नी बॉर्डर जा रही थी, तभी इकौना में ही हादसे का मामला सामने आ गया, जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरी बस बुलाकर सवारियों को बढ़नी भेजा गया। वहीं आपस में दोनों वाहन चालकों ने सुलह समझौता की बात कही, जिस पर दोनों वाहन चालक आपस में बात करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के मुर्गी फार्म के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह सवेरे एक बड़ा हादसा आया। गनीमत यह रही कि उस समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। हालांकि इस दुर्घटना में दोनों चालकों को मामूली रूप से चोट भी आई है, परंतु वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इकौना इलाके के मुर्गी फार्म के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दो वाहनों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर ही मिस्त्री को बुलाना पड़ा, जिसके चलते वाहन को वहां से हटाया जा सका। लोगों के अनुसार पिकअप चालक नींद में था और सड़क के किनारे खड़े हुए जाकर टूरिस्ट बस से भिड़ गया, जिसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल आपको दिखा रहा है इकौना इलाके की ये अहम व महत्वपूर्ण खबर, जहाँ पर सुबह सवेरे ही सड़क हादसा सामने आया।